तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि ये वाला फ़ोटो मैंने किस तरह से एडिटिंग की थी और मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी कि भाई इस फोटो का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए या फिर नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ भाई चाहिए। और दोस्तों, इस फोटो में जो भी मैं बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस का यूज़ करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह फुल एचडी में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का फोटो एडिटिंग का वीडियो लाता रहता हूँ। सो दोस्तों, अभी चलते हैं हम सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहला स्टेप में आपको ये वाला बैकग्राउंड लेना पड़ेगा जो कि एकदम फुल एचडी है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन हम जाएंगे एफएक्स वाला ऑप्शन में। एफएक्स वाला ऑप्शन में जाकर हम दो नंबर वाला ब्लर वाला ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर ब्लर वाला ऑप्शन लेकर यहाँ पर हम ब्लर को रखेंगे 3 to 5। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 3, एकदम परफेक्ट है। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधा सा डन कर देंगे। यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर हम यहाँ पर मॉडल वाला पिक ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से फोटो क्लिक की थी और बैकग्राउंड इरेज करके रखा हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो को खत्म होने के बाद देख लेना। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ से डन कर देंगे सीधा सा। यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद आपको एक PNG ऐड करना पड़ेगा जो कि पर्स का PNG है। सो दोस्तों, हम ये वाला PNG को लेंगे और उल्टा करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम इस PNG को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और भी बड़ा कर लेंगे। खींचेंगे, खींचो खींचो और बड़ा करो इस PNG को। इस PNG को इतना सा बड़ा करने के बाद यहाँ पर भी हमें देना पड़ेगा ब्लर वाला इफेक्ट। सो दोस्तों, मैं पहले इस PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम जाएंगे FX वाला ऑप्शन में और यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन लेंगे, सेकेंड वाला ब्लर। ब्लर वाला ऑप्शन लेकर हम यहाँ पर ब्लर का अमाउंट को कम करेंगे। यहाँ पर रख लेंगे हम 6 और यहाँ पर डन कर देंगे। डन करने के बाद हम सीधा सा यहाँ से जाएंगे इरेजर वाला आइकॉन में। यहाँ पर हम हार्डनेस को कम करेंगे। यहाँ पर हार्डनेस को हम रखेंगे 20 और ऑपोसिटी को रखेंगे 18। 18 रखने के बाद यहाँ से हम साइड साइड से इरेज कर देंगे ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पर आ जाए, ताकि लोग देखें तो जब बोले कि एकदम रियल पिक है, ये एडिट किया हुआ पिक नहीं है। सो दोस्तों, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, देखिए मैं किस तरह से इरेज करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरेज करना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी यहाँ से होने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। देन हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में और एक PNG हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो मैं अभी लेता हूँ ये वाला PNG, ठीक है। ये वाला PNG ठीक नहीं है। सो मैं ये वाला PNG लेता हूँ और इस PNG को छोटा करेंगे। अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो छोटा बड़ा, वो आपकी मर्जी है। देन हम जाएंगे FX वाला ऑप्शन में। इसको अभी हम ब्लर करेंगे। इसका अमाउंट को हम रखेंगे 7.5 रख लेता हूँ, ठीक है। 5 रखने के बाद अब ये हम यहाँ से डन कर देंगे। इसको भी हम सेम टू सेम जाएंगे इरेजर वाला आइकॉन में और हार्डनेस को यहाँ पर रखेंगे 12 और ऑपोसिटीज को हम यहाँ पर रखेंगे 12। तो अभी हम इसको भी साइड साइड से इरेज कर देंगे ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक आए, ताकि लोग देखें जब बोले कि भाई एकदम मस्त एडिटिंग हुआ है, ये एकदम परफेक्ट एडिटिंग है बोले। तो अभी हम यहाँ से डन कर देंगे। देन हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। यहाँ से ऐड फोटो में आने के बाद हमको और एक PNG ऐड करना पड़ेगा जो कि पर्स का PNG है। सो दोस्तों, मैं ये वाला PNG लेता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अभी, ठीक है। FX वाला ऑप्शन में जाएंगे। देन हम ब्लर वाला ऑप्शन यहाँ से लेंगे। ब्लर वाला ऑप्शन लेने के बाद इसका अमाउंट को हम कम करेंगे। यहाँ पर रखेंगे हम 3 और यहाँ से डन कर देंगे सीधा सा। यहाँ से डन करने के बाद हम सेम टू सेम जाएंगे इरेजर वाला आइकॉन में एंड इरेजर को हम रखेंगे हार्डनेस को 19 एंड ऑपोसिटीज को रखेंगे 19। यहाँ से 19 रखने के बाद हम साइड साइड से इरेज कर देंगे ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक आए। और दोस्तों, लाइटरूम का ठीक से देख लेना, क्योंकि लाइटरूम का काम बहुत ही ज़रूरी है एडिटिंग के लिए। आप जितना भी परफेक्ट एडिटिंग कर लो, लाइटरूम का काम अगर आपको आता नहीं है तो एडिटिंग करके कोई भी फायदा नहीं। सो दोस्तों, अभी हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद हमको और एक PNG ऐड करना पड़ेगा जो कि लकड़ा का PNG है। तो इस लकड़े को PNG को हम लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ से ऐड करने के बाद हम जाएंगे एडजस्ट वाला ऑप्शन में और ब्राइटनेस को हम हाई कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब 100, और हाईलाइट को भी यहाँ से 100 कर लेंगे। 100 करने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। तो वैसे यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको सेम टू सेम और एक PNG है जो कि लकड़ा का PNG है। उस PNG को हम लेंगे यहाँ पर। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। इस PNG को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और अपने लेफ्ट साइड में इस PNG को ऐड कर लेंगे।
एग्जस्ट में जाएंगे, ब्राइटनेस को हाई कर लेंगे या से ब्राइटनेस को 100 प्लस कर लेंगे और हाईलाइट को भी 100 प्लस कर लेंगे और या से हम डन कर देंगे सीधा सा। तो मैं यहाँ पर डन कर लेता हूँ, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एड फोटो में फिर से जाएंगे, देन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर और एक पीएनजी, लकड़ा का पीएनजी लेंगे, ये पीएनजी लेंगे। इस पीएनजी को हम ऊपर में सर के ऊपर में ऐड करेंगे, देन हम जाएंगे यहाँ पर एफएक्स वाला ऑप्शन में और ब्लर का जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन को हम रख लेंगे और अमाउंट को करेंगे 12, मतलब थोड़ा सा लो कर देंगे, देन हम यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ से डन कर देने के बाद दोस्तों फाइनली हमारा पिक्सल आर्ट का काम ख़त्म हो गया, बैकग्राउंड एंड पीएनजी का काम ख़त्म हो गया। अभी हम ड्रॉ टूल में जाएंगे और थ्री डॉट में क्लिक करेंगे और सेव इमेज में सेव करके हम जाएंगे सीधा सा लाइट रूम में कलर एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों मैं अभी अभी जो फोटो एडिटिंग किया उस फोटो को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद ऑल फोटोज़ में जाएंगे और यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने पिक को एडिटिंग करने के लिए। सो मैं यहाँ पर फाइनली आ गया हूँ। अभी हम लाइट वाला ऑप्शन में जाएंगे, एक्सक्रोस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, देन हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, उसके बाद हम हाईलाइट को हाई करेंगे, शेडोज़ को हाई करेंगे, व्हाइट को हाई करेंगे एंड ब्लैक को लो कर देंगे। लो करने के बाद हम जाएंगे टेम्परेचर वाला ऑप्शन में, यहाँ से हम कस्टम वाला ऑप्शन लेंगे, मिक्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, गुलाबी कलर का ऑप्शन पहले लेंगे, सेचुरेशन को हम यहाँ पर रख लेंगे -18 और हम -18 नहीं 14, देन हम लुमिनियस को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, यहाँ पर लुमिनियस होना चाहिए 22 एंड हम ह्यू ठीक ही है। अभी हम जाएंगे रेड कलर का ऑप्शन में, ह्यू को हम यहाँ पर रेड कलर का ह्यू को रखेंगे 20 प्लस एंड सैचुरेशन को हम यहाँ पर रखेंगे 28 एंड लुमिनियस को हम यहाँ पर रखेंगे 17। देन हम जाएंगे येलो कलर के ऑप्शन में, ह्यू को लो करेंगे एंड हम यहाँ पर सैचुरेशन को रखेंगे 20 एंड लुमिनस को हम यहाँ पर रखेंगे 17। देन हम जाएंगे लाइट ब्लू कलर के ऑप्शन में, यहाँ पर हम ह्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे 13 एंड सैचुरेशन को हम यहाँ पर रखेंगे 18 प्लस एंड हम यहाँ पर लुमिनस को भी 18 प्लस। देन हम जाएंगे स्काई कलर के ऑप्शन में, यहाँ पर ह्यू को हम रखेंगे 22 प्लस एंड सैचुरेशन को 37 प्लस, लुमिनस को 24 प्लस। देन हम जाएंगे डार्क ब्लू कलर के ऑप्शन में, ह्यू को 15 माइनस एंड सैचुरेशन को 31 प्लस एंड हम लुमिनियस को 25 प्लस। देन हम जाएंगे पिंक कलर के ऑप्शन में, यहाँ पर हम ह्यू को रखेंगे 15 प्लस, सैचुरेशन को हम यहाँ पर रखेंगे 24 प्लस एंड लुमिनियस को हम यहाँ पर रखेंगे 17 प्लस। देन हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर सैचुरेशन को रखेंगे हम -4, वाइब्रेशन को -4 एंड टेम्परेचर को 16 प्लस। देन हम ट्राइंगल वाला ऑप्शन में जाएंगे, सैचुरेशन को हम यहाँ पर रखेंगे 45 एंड मार्किंग को हम रखेंगे 35, उसके बाद हम नॉइस को रखेंगे, कलर नॉइस को रखेंगे 15 प्लस एंड नॉइस को ओनली नॉइस रेगुलेशन को रखेंगे हम 15 प्लस। देन हम यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद हम सर्कल वाला ऑप्शन में जाएंगे, क्लियरिटी को हम यहाँ पर रखेंगे 15 प्लस एंड विग्नेट को हम यहाँ पर -19 रखेंगे एंड हम यहाँ से डन कर देंगे। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एडिटिंग हो गया। सो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ पहला पिक ये कुछ कैसा था और अब कैसा दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों देखिए पहला जो पिक था कुछ यहाँ पर ये रहा, देखिए बहुत ही अच्छा एडिटिंग यहाँ पर हो गया है। सो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ पहले पिक कुछ ऐसा था और अब ऐसा है, पहले कुछ ऐसा था और अब ऐसा है। तो गाइस आई होप कि आज का एडिटिंग आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिए एक छोटा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर देना। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में इससे भी धमाकेदार एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।